डियर स्टूडेंट, ध्यान दें, क्लास 11 के बच्चे, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज आप लोगों को लेसन 1 जीव जगत के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, इसके बारे में बताते हैं। प्रत्येक जीवधारी अपना एक वास स्थान बनाता है, चाहे वो वास स्थान महासागर हो या जलीय झील हो या मरुस्थल हो या प्राणपाती वन हो या आलौड़ीय जल हो, जिनमें जीव रहते हैं वे सब जीवधारियों के वास स्थान कहते हैं। वह हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं कि किस तरीके से ये जीव इसमें अपना आवास बनाकर रह रहे हैं। जैसे सरपट, दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षी, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आवाहन करती है। पारिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ की कोशिका में आणविक गतिविधियों में पता चलता है। ये वास्तव में जीवन क्या है? आगे हम टॉपिक है जीवन क्या, अर्थात लाइफ क्या। प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं, वृद्धि, जनन, पर्यावरण के पर संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूलन क्रिया करना हमारे मस्तिष्क में तुरंत आ जाते हैं। सभी जीव वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन प्रयत्न होती है, लेकिन जंतुओं में यह एक निश्चित आयु तक होती है। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है, जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। इस प्रकार जीवन क्या है, इसके बारे में यह क्रियाएं चलती रहती हैं। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु ऐसा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना हमारा जो है एक कर्तव्य होता है। जैसे संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं, पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारक के पर प्रक्रिया दिखाते हैं। इस प्रकार जीव क्या हैं, कैसे रहते हैं। आगे आपका टॉपिक है जीव जगत में विविधता, अर्थात डाइवर्सिटी। जीव जगत में विविधता क्या है? संसार में छोटे से लेकर बड़े जीव पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। अब तक ज्ञात स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। इसे हम जैव विविधता कहते हैं। प्रत्येक, जैसा कि बताया गया कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं, हम इस पौधे तथा प्राणियों को
उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इसे भ्रमकारी स्थिति में पैदा हो सकती है, जिसे हम जीव जगत में विविधता कहते हैं। थैंक यू।